अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद बाबर। फिल्म एंड कैफे की तरफ से बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज जारी है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक। हम पहले प्रीवियसली बात कर रहे थे बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड। हम इसकी बात कर रहे थे कि बायोलॉजी किन किन शोबों के अंदर अपना रोल प्ले कर रही है। तो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने बात की थी कि फूड के बारे में, कि फूड को बायोलॉजी के ज़रिए हम फूड को कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं और कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं जिसके ज़रिए हमारी क्या है फूड की प्रोडक्शन जो है इंक्रीज़ हो रही है विद इंक्रीज़ ऑफ पॉपुलेशन। तो बायोलॉजी तो एक तो फूड के एरिया के अंदर वर्क कर रही है। अब दूसरा जो हमारे पास एरिया है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिजीज़ के ऊपर है कि बायोलॉजी ने कैसे हमारा काम आसान किया है मुख्तलिफ डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए। डायग्नोस का मतलब है उसकी तशखीस करने के लिए, यानी उसका इलाज ढूंढने के लिए और उसके मुताबिक उसके लिए मेडिसिन बनाने के लिए। तो बायोलॉजी ने इस फील्ड के अंदर भी क्या है हमारे लिए वर्क किया है। तो बायोलॉजी ने कौन कौन सी मेजर बीमारियों के अगेंस्ट हमें जो है ना रेजिस्टेंस प्रोवाइड की है, यानी हमें ट्रीटमेंट दिया है, हमें मेडिसिन दिया है। तो आज हम उन ट्रीटमेंट्स को पढ़ने वाले हैं और उन बीमारियों को भी पढ़ने वाले हैं जो हमें बायोलॉजी की वजह से या तो पेश आई हैं और बायोलॉजी ने उसका हल भी हमें दिया है। तो हमारे पास है डिजीज कंट्रोल। तो there has been fantastic progress in the area of health and disease control. तो health के शोबे में जो है वो fantastic progress सही है, यानी health के शोबे ने जो है ना बहुत ज़्यादा तरक्की की है। और there are three pronged action are usually taken against various diseases. तो कोई भी disease है, prong का मतलब है branch या फिर आप कह सकते हैं symmetry, यानी किसी भी डिजीज के अगेंस्ट एक सिमेट्री के साथ चलना। किसी भी डिजीज के अगेंस्ट क्या है एक सिमेट्री के साथ चलना है कि उस डिजीज को टैकल करने के लिए, उस डिजीज को एलिमिनेट करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हो सकती हैं। मसलन कोई डिजीज किसी वजह से फैलती है, कोई उसकी रीजन होती है, तो हम उस रीजन को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। फिर हम जो है अगर वो डिजीज तब भी ख़त्म ना हो, फिर हम दूसरा प्रोसीजर इख्तियार करते हैं कि उसके लिए मेडिसिन तैयार करते हैं। तो अगर वो मेडिसिन से भी एलिमिनेट नहीं होती, फिर हम क्या करते हैं उसके लिए वैक्सीन्स वगैरह जो है ना तैयार करते हैं ताकि जो है ना बॉडी को आर्टिफिशियली हम इम्यूनाइज करें। तो आर्टिफिशियली इम्यूनाइज क्या है ये मैं अभी आपको आगे चल के बताता हूँ। तो तीन हमारे पास यहाँ पर वेरियस डिजीज़ को टैकल करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन प्रोसीजर हैं। कौन कौन से प्रोसीजर हैं? पहले हैं प्रिवेंटिव मेजर। प्रिवेंटिव मेजर का मतलब क्या है? प्रिवेंटिव मेजर का मतलब है कि उस डिजीज़ के रोकने के लिए जो जो हम इकदाम उठाते हैं उनको हम कहते हैं प्रिवेंटिव मेजर। तो द एडवांस इन बायोलॉजी साइंसेज प्रोवाइडेड अस इंफॉर्मेशन। तो जैसे जैसे बायोलॉजी ने क्या किया है एडवांसमेंट की है अपने अंदर, जैसे जैसे बायोलॉजी ने तरक्की की है तो उसने हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। तो बायोलॉजी की इंफॉर्मेशन में हमें क्या क्या चीज प्रोवाइड की गई है? अगर कोई डिजीज इन्वायरमेंट के अंदर दाखिल होती है तो हमें उसके दाखिल होते वक्त हमें दो चीज़ों का लाजमी पता होना चाहिए। पहली चीज़ क्या है उस डिज़ीज़ की कॉजेटिव एजेंट क्या है, यानी किस वजह से वो डिज़ीज़ फैल रही है, और दूसरी हमने ये देखना कि मूड ऑफ ट्रांसफ़र वो डिज़ीज़ कैसे ट्रांसफ़र हो रही है। अच्छा कुछ डिजीज़ ट्रांसफरेबल होती हैं और कुछ नहीं होती, यानी कुछ जो है ना सिर्फ पर्सनलाइज होती हैं, सिर्फ एक बंदे के अंदर रहती हैं, और जो डिजीज़ पर्सन टू पर्सन क्या करें ट्रांसफ़र हो तो वो डिज़ीज़ हमारे पास वबाई बीमारी कहलाती है, जिस तरह के अब कोरोना के जो है ना हम करंटली फेस कर रहे हैं। तो ऐसी बीमारी जो है ना पूरी जो दुनिया में हो और वो हर जगह फैल रही हो तो ऐसी बीमारी वबाई बीमारी कहलाती है। और इससे पहले इस ये जो एरा जिसके अंदर हम अब स्टैंड कर रहे हैं, उनसे पहले अगर हम एंशियंट टाइम में देखें जब बायोलॉजी की इतनी एडवांसमेंट नहीं थी तो उसके अंदर कौन कौन सी बीमारियां थी, जिस तरह के पोलियो था, मिजल्स से खसरा था, फिर डेंगी था। तो ये ऐसी बीमारियां थी जो काफ़ी जो है ना पॉपुलेशन को जो है ना डिक्रीज़ कर देती थी। तो इससे बहुत सारे अफराद जो है ना
इन बीमारियों की वजह से मर जाते थे। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न हमारे पास ये थी कि बायोलॉजी की एडवांसमेंट नहीं थी और हमें वो तरीके और वो प्रोसीजर्स नहीं पता थे जिससे हम बीमारियों को एलिमिनेट कर सकें। तो आज हमारे पास वो प्रोसीजर भी हैं और वो ट्रीटमेंट भी आ चुके हैं जिससे हम बायोलॉजी के ज़रिए क्या कर रहे हैं, मुख्तलिफ इलाज के लिए उन तरीकों को अडॉप्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पर दो एग्जांपल दी गई हैं प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर। एक एग्जांपल एक बीमारी की दी गई है जो कि एड्स की है और दूसरी है हेपेटाइटिस की। तो पहले एड्स के बारे में बात कर लें कि व्हाट इज़ एड्स, क्या है एड्स? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून का मतलब क्या होता है? इम्यून का मतलब है आपका कुव्वत मुदाफियत, आपके अंदर जो सिस्टम होता है जो आपको कोई भी फॉरेन पार्टिकल से या फिर कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म से जो आपकी बॉडी का ना हो और वो उससे आपको बचाता है। तो इम्यून क्या है? इम्यून एक ऐसा सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर जो आपको बीमारियों के अगेंस्ट बचाता है, ठीक है। डेफिशिएंसी का मतलब क्या है? डेफिशिएंसी का मतलब है कमी। इम्यून सिस्टम में कमी आ जाती है। और सिंड्रोम का मतलब क्या है? सिंड्रोम को कहते हैं बीमारियों के मजमूआ, यानी किसी भी ऐसी वजूहत से क्या आपके अंदर क्या हो जाता है, एड्स पैदा हो जाता है। और ये एड्स भी, ये बीमारी जो है ये ट्रांसफरेबल है और इसके मोड ऑफ ट्रांसफ़र क्या है हम ये भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो एड्स जो है किसकी वजह से फैलती है? एड्स जो है एचआईवी वायरस की वजह से फैलती है, ठीक है। एचआईवी वायरस का मतलब क्या है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस का मतलब यानी वो वायरस है जिसकी वजह से एड्स काज होता है, ठीक है। अब ये एड्स फैलता कैसे, इसके हमारे पास यहाँ पर थ्री पॉइंट्स बताए गए। एक क्या है? पहला है फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, यानी ऐसे बंदे के साथ कॉन्टैक्ट करना जिसको एड्स की बीमारी हो, तो फिर वो बीमारी क्या होती है, अगले बंदे में भी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट का मतलब यही है कि आप जो है ऐसे लोगों से कॉन्टैक्ट करते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी उनके साथ रखते हैं जो पहले से एड्स से इन्फेक्टेड होते हैं। तो ऐसे बंदे जो एड्स से इन्फेक्टेड हों तो दूसरे बंदों में भी क्या है, उस एड के ट्रांसफ़र होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और दूसरा क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या है कि खून ऐसा है बंदे का खून ले लेना जो जिसके ब्लड के अंदर एड्स की क्या हो, बीमारी हो, और उसके ब्लड के अंदर या फिर एचआईवी वायरस हो। तो इसलिए उस बंदे का हमें ब्लड भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो पहले ही एड्स से क्या है, इन्फेक्टेड है। उसके बाद है कंटेमिनेटेड सरिंजेस हैं। कंटेमिनेटेड का मतलब होता है आलूदा। तो आलूदा सरिंजेस जो हैं और जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, अब क्या है, एक पेशेंट को हमने जो है ना सरिंज से क्या किया, इंजेक्शन लगाया और उस बंदे को एड्स था। अब वही वाली सरिंज हमने बगैर उसको डिस्पोज की उसी को यूज़ कर लिया एक हेल्दी पेशेंट में, तो वहाँ से भी एड्स क्या है, फैलने का खतरा है। तो डॉक्टर एडवाइस देते हैं कि आप सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो कंटेमिनेट हो, जो आलूदा हो, जो पहले ही इन्फेक्टेड हो, उन्हें जो है ना यूज़ ना करें, डिस्पोज कर दें। और दूसरा हमें क्या बताते हैं, और दूसरा हमें बताते हैं कि फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से बचें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है दूसरी, इसके लिए प्रिकॉशंस मैंने आपको भी बता दी हैं। और हेपेटाइटिस नेक्स्ट हमारे पास बीमारी है। तो हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस, हिपा का मतलब होता है लीवर, लीवर जिसे आप जिगर बोलते हैं, और टाइटस का मतलब क्या होता है, बीमारी, ठीक है। सॉरी, टाइटस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो लीवर की इन्फ्लेमेशन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हेपेटाइटिस। हिपा का मतलब क्या होता है, लीवर, और टाइटस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। यानी हेपेटाइटिस का मतलब क्या हुआ, ऐसी बीमारी जिसके अंदर लीवर की इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो ऐसी बीमारी को हम कहते हैं हेपेटाइटिस की बीमारी, ठीक है। अच्छा, तो ये किसकी वजह से पैदा होती है, किस वजह से फैलती है, वो है एच वायरस, यानी ह्यूमन वायरस की वजह से। क्या है? ह्यूमन वायरस की वजह से हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस की आगे मजीद टाइप हैं, हम आगे चैप्टर नंबर 6 के अंदर भी डिस्कस करेंगे। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई तक भी है। ये जो हेपेटाइटिस ई है,
ये ह्यूमन फीसिस की वजह से भी फैलता है, यानी ऐसे वॉशरूम जहाँ पर पब्लिक जो वॉशरूम्स होते हैं तो वहाँ पर एड्स के मरीज या हेपेटाइटिस के मरीज के होने के भी चांसेस होते हैं, तो उनकी फीसिस से भी जो है ना क्या होते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं बंदे के अंदर। तो कॉजेटिव एजेंट क्या है? हेपेटाइटिस ह्यूमन वायरस है। इसका मोड ऑफ ट्रांसफ़र क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, वही ब्लड ब्लड ट्रांसफ़र करने से और कंटेमिनेटेड सिरिंजेस या इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करने से हेपेटाइटिस फैलता है। तो इस केस में डॉक्टर क्या कहते हैं? वो कहते हैं आप केयरफुल रहें और अवॉइड करें द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी ऐसे पॉइंट से बचें जो आपको हेपेटाइटिस की तरफ लेकर जाए। तो ऐसे पॉइंट्स में सेक्सुअल एक्टिविटीज़ भी आ जाती हैं, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप सेक्सुअल एक्टिविटी से बचें और उससे पॉइंट से बचें जिससे हेपेटाइटिस काज होता है। अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होती है? वैक्सीनेशन बेसिकली ये ड्रग ट्रीटमेंट है। जब हम मेडिसिन भी ले रहे होते हैं और प्रिवेंटिव मेयर भी कर रहे होते हैं, अगर हमारी डिजीज तब भी कंट्रोल नहीं होती तो थर्ड हम जाते हैं वैक्सीन की तरफ। वैक्सीन बेसिकली किसी एक डिजीज़ के लिए ऐसे जल्दी नहीं बनाई जाती कि मतलब कि कोई डिजीज़ है फौरन, मतलब कि फ्लू के लिए या कफ के लिए कोई डिजीज़ है तो फौरन ही बस जो है ना इसके लिए वैक्सीन तैयार कर लो। वैक्सीन हमेशा तब तैयार की जाती है जब कोई वबाई बीमारी हो, यानी ओवर द वर्ल्ड जो बीमारी फैल रही हो, हमेशा उसके अगेंस्ट क्या की जाती है? वैक्सीन बनाई जाती है। जिस तरह मैंने अभी हेपेटाइटिस और एड्स के बारे में बात की, हेपेटाइटिस की जो है ना वैक्सीनेशन कुछ ब्रांचेस की जो है ना वो इन्वेंट हो चुकी हैं और कुछ की अभी तक नहीं हुई, और एड्स की हमारे पास कोई वैक्सीनेशन अभी तक तैयार नहीं हुई, बट वो क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे जा रही है, लेकिन अभी तक एड्स की भी कोई वैक्सीन नहीं आई है। तो अब जिस तरह पोलियो की वैक्सीनेशन भी तैयार हो गई है, बचपन में हमें टीके लगाए जाते हैं, तो वो क्या है, पोलियो पहले क्या हुआ करती थी, एक ओवर द वर्ल्ड फैली हुई डिजीज़ थी। तो इस डिजीज, अब देखा गया कि ये डिजीज़ फैल रही है, तो उसके लिए हमने क्या किया, वैक्सीन को तैयार किया ताकि इस डिजीज़ को हम क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें। तो आपको पता चल गया होगा कि जो वैक्सीनेशन हम जो है ना, ये कोई आसान सा प्रोसीजर नहीं है कि फौरन एक डिजीज़ आई और फौरन ही बन गया, ऐसा नहीं, हमेशा और डिजीज़ के खिलाफ वैक्सीन बनेगी जो ओवर द वर्ल्ड क्या होगी, फैली हुई होगी। अच्छा, तो मैनी डिजीजेस सच एज वोपिंग कफ, जो काली खांसी आती है आपको, मम्स कहते हैं गलफड़ों को, आपकी कान के पीछे जो है ना पेड़े आ जाते हैं, ठीक है, ऐसे मोटे मोटे से ना पेड़े बन जाते हैं आपके, और वोपिंग कफ का मतलब मैंने आपको बता दिया खांसी, और मीजल्स का मतलब क्या है, खसरा, यानी छोटे छोटे से आपको रेडी से दाने जो है ना स्किन के ऊपर आते हैं, और पोलियो का आपको पता है कि पोलियो क्या है, ये इसके अंदर इंसान के बॉडी पार्ट क्या होते हैं, अपाइज हो जाते हैं, ये कोई हिस्सा बॉडी का वर्क नहीं करता, ठीक है, तो ये पोलियो है। अच्छा, सबसे पहले वैक्सीनेशन को टेक्निक को किसने ईजाद किया, वैक्सीनेशन की सबसे पहली जो टेक्निक थी उसको ईजाद किया है एडवर्ड जीनर ने। एडवर्ड जीनर ने 1796 के अंदर वैक्सीनेशन के प्रोसीजर को इन्वेंट किया। अच्छा, इसने वैक्सीनेशन का नाम नहीं लिया था, वैक्सीनेशन का जो नाम लिया था वो लिया था लुईस पाश्चर ने। लुईस पाश्चर ने फर्स्ट जो है वो यूज किया किसका नेम, वैक्सीनेशन का, लेकिन एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन का प्रोसीजर बताया कि वैक्सीनेशन की कैसे जाती है। सबसे पहले उसने ये वैक्सीनेशन का तरीका कैसे सीखा वो देखते हैं। तो वो क्या है, उसने देखा एक कॉपॉक्स बस के अंदर, एक गाय के अंदर क्या था, उसकी स्किन के ऊपर एक जो है ना दाने निकले हुए थे और उसके अंदर एक पस थी, तो उसने क्या किया, उस गाय के ऊपर जो दाने बने हुए थे उसमें से पस ली, ठीक है, पस लेने के बाद उसने क्या किया, उसको एक सेहतमंद लड़के के अंदर इन्वेंट किया। तो वो क्या हुआ कि उसकी, उस बच्चे की बॉडी ने उसके खिलाफ इम्यूनिटी बनाई और बच्चा वो ठीक हो गया। तो
कॉपॉक्स, कॉपॉक्स जो है वैक्सीनेशन का जो सही वर्ड है वो वैका है। वैका का मतलब क्या होता है लैटिन में? काउ होता है। तो काउ के वर्ड से उन्होंने जो है ना वो वर्ड निकाला वैक्सीनेशन। ठीक है, अच्छा उसके बाद वैक्सीन क्या होती है हमने ये देखना है। अ प्रिपरेशन ऑफ किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वैक्सीनेशन में क्या होता है? किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मरे हुए होते हैं, या दूसरा केस है वो क्या होते हैं? एटेन्यूएटेड होते हैं, यानी वो कमजोर होते हैं। दो फॉर्म में हम लिए जाते हैं, एक कमजोर फॉर्म या फिर थोड़ी सी मरी हुई फॉर्म में हम क्या लेते हैं वो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं। अच्छा वो ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? वही ऑर्गेनिज्म होता है जो उसकी बॉडी के अंदर इन्फेक्ट कर रहा होता है। फर्क क्या होता है? हम उसको वीक कर देते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को वीक कर देते हैं, और दोबारा वही उसी वीक किए हुए ऑर्गेनिज्म को हम क्या करते हैं बॉडी के अंदर दोबारा लगा देते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है उसके खिलाफ इम्यूनिटी बना देती है। ठीक है, तो इस तरह वैक्सीनेशन से क्या होता है कि हमारी बॉडी उस डिजीज से छुटकारा पा लेती है। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या? अच्छा ये जो वैक्सीनेशन का जो अमल है इसको हम कहते हैं ये आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी देखो ये नेचुरली प्रोड्यूस नहीं हो रही, हम इसको बाहर से क्या कर रहे हैं? इम्यूनोनाइज कर रहे हैं। ठीक है, बाहर से इंजेक्शन दे के इम्यूनोनाइज करते हैं, एक नेचुरल वो जो खुद ब खुद हमारे, जिस तरह आम में हमें फीवर होता है तो फीवर में कुछ देर बाद, कुछ वक्त बाद, एक दिन दो दिन के बाद हमें ऑटोमेटिक हम क्या हो जाते हैं? ठीक हो जाते हैं। तो अगर कोई सवेयर हमारे पास डिजीज ना हो तो फिर हम मेडिसिन वगैरह यूज करते हैं, तो सवेयर डिजीज के अंदर जो ना ड्रग यूज की जाती है, और वैसे अगर हम सिंपल रहें तो हम बुखार से एक या दो दिन के अंदर छुटकारा हासिल कर लेते हैं। तो ये था बॉडी का नेचुरल वर्क। तो आर्टिफिशियल वर्क क्या है कि हम क्या करते हैं, जो जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से डिजीज फैल रही है उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम कमजोर कर कर फिर दोबारा इंसान ह्यूमन की बॉडी के अंदर डाल देते हैं। तो इस टाइम जो है अब देखो वो वीक हो चुका है, अब वो बॉडी के अंदर डिजीज नहीं काज करेगा लेकिन उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बना देगा, क्योंकि हमारी बॉडी का एक सिस्टम है मेमोराइज सिस्टम। हमारी बॉडी क्या करती है, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाता है तो उसको पहचान लेती है और उसकी कॉपी को जो है ना मेमोराइज कर लेती है। जब उसकी कॉपीज को मेमोराइज कर लेती है, जब वो नेक्स्ट टाइम आएगा तो बॉडी ने पहले ही उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाई होंगी, तो वो क्या होगा जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो बॉडी के पास पहले से एंटीबॉडी मौजूद है, तो वो आते साथ ही बॉडी के अंदर ख़त्म हो जाएगा। तो उसके इस बारी यानी दूसरा अटैक जब वो करेगा तो आप उसके कोई चांसेस नहीं कि वो ह्यूमन बॉडी के अंदर दोबारा डिजीज़ काज कर सके। तो वैक्सीनेशन इसलिए भी की जाती है ताकि ये डिजीज़ दोबारा ना हो, जिस तरह पोलियो की डिजीज़ है। अब पोलियो की डिजीज़ बच्चे को पैदा होते साथ ही कुछ जो है ना वक्फे से क्या किया जाता है, 5 साल तक टीके लगाए जाते हैं, वो इंजेक्शन दिए जाते हैं। वो क्योंकि बॉडी को मेमोराइज करवाया जाता है, उसे याद करवाया जाता है कि अगर इस तरह का बेसिकली पोलियो का जो जिस ऑर्गेनिज्म की वजह से पोलियो हो रहा है उसी की कमजोर फॉर्म है। बॉडी को 5 साल तक क्यों दी जाती है? ताकि बॉडी को मेमोराइज रहे। अगर इस तरह का हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई जीन एक्टिवेट हो जाए तो उसको हमने क्या करना है, अपनी बॉडी के अंदर मौजूद पहले से एंटीबॉडीज को एक्टिवेट करके उसको बॉडी से एलिमिनेट कर देना। अच्छा तो द प्रोसीजर ऑफ इनोकुलेशन ऑफ वैक्सीन। इनोकुलेशन कहते हैं जिंदा ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, जिंदा या कल्चर भी कहते हैं। और वैक्सीन टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियली इंक्रीज इम्यूनिटी, इंक्रीजमेंट ऑफ इम्यूनिटी। तो आर्टिफिशियली क्या किया जाता है, इम्यूनिटी को इंक्रीज करवाया जाता है। तो अब इम्यूनाइजेशन क्या है, ये बिल्कुल वही वैक्सीन के अंदर जो मैंने आपको बता दिया, ऐसा फेनोमेना जिसके अंदर हम क्या करते हैं इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं ड्यू टू इनोकुलेशन। इनोकुलेशन का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि क्या है, जिंदा ऑर्गेनिज्म या कल्चर, ठीक है, ऑफ वैक्सीन इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। ठीक है, अब वैक्सीन कौन कौन सी बीमारियों के लिए जो है ना यूज की जा रही है। वैक्सीन इज कैरिड आउट टू इम्यून द वायरल एंड बैक्टीरियल एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब क्या है, वबाई बीमारियां। ठीक है, सबसे पहले वायरल का देख रहे हो, वायरल का मतलब क्या है, वो वाली बीमारियां जो वायरस की वजह से फैलती हैं वो वायरल बीमारियां कहलाती हैं, और जो बैक्टीरिया के वजह से फैलती हैं वो क्या कहलाती हैं,
बैक्टीरियल वायरसेस, ठीक है। और एपिडेमिक का मतलब क्या है, वो कहता है कि वैक्सीन क्या कर रही है, अब लोगों को इम्यूनाइज कर रही है किसके अगेंस्ट, वायरस के अगेंस्ट, बैक्टीरिया के अगेंस्ट, और एपिडेमिक, एपिडेमिक का मतलब कि और अदर जो वबाई बीमारियां हैं या ओवरवर्ल्ड फैली बीमारी है उनके खिलाफ इम्यूनाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वैक्सीनेशन यूज करते हैं। अच्छा, इट इज क्लेम डेट कि अब ये दावा किया करते हैं साइंटिस्ट कि स्मॉल पॉक्स जो है, जो बॉडी के अंदर छोटे छोटे से दाने बनते हैं, तो वो क्या हो गया, मुकम्मल तौर पर क्या हो गया, दुनिया से खत्म हो चुके हैं। अब जो है इवन वैक्सीन अगेंस्ट एड्स, एड्स के अगेंस्ट भी क्या है, वैक्सीन जो है वो तैयार करने की कोशिश की जा रही है, अब बल्कि उसको तैयार कर लिया गया है लेकिन वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर अभी कंटिन्यू है, तो अभी कंप्लीट हमें नहीं पता कि कंप्लीट अभी हमें सेटिस्फाई रिजल्ट नहीं मिले जिसकी वजह से हम कह सकें कि एड्स की वैक्सीनेशन तैयार हो चुकी है। तो डियर स्टूडेंट हाउसो, आपको ये समझ आया होगा, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अब तब के लिए अल्लाह हाफिज़।